वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम बात कर रहे हैं बतूल से, जिन्होंने बखूबी से दो लेवल पार कर लिए हैं बिना कोई लाइफ लाइन लिए. जी हाँ, अक्सर यहाँ तक कोई लोग पहुँचते ही नहीं हैं, और जो बतूल इतने बखूबी से सवालों का जवाब दे रही हैं कि तीनों लाइफ लाइन इनकी अभी भी मौजूद है. लेकिन देखना ये है कि तीसरे लेवल पर ये लाइफ लाइन का इस्तेमाल करती हैं या जीत जाती हैं. चलिए देखते हैं. ऑल सेट? यस. कॉन्फिडेंस? यस. नर्वस? No. Oh, that's great. चलिए फिर आगाज करते हैं तीसरे लेवल का. तीसरे लेवल का पहला सवाल बतूल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. सैफ सज्जादिया, जो कि हमारे चौथे इमाम की किताब है, उसमें कुल कितनी दुआ हैं? आपके ऑप्शन है A40, B50, C54 या फिर D60. इसमें तो कंफ्यूजन है. किसमें कंफ्यूज है आप? बी एंड सी में 50 या 54 में आप कंफ्यूज हैं? मैं 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहती हूँ. चलिए कंप्यूटर, बतूल 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो हमारे सामने एक सही और एक गलत जवाब रखिए, बाकी के दो गलत जवाब मिटा दीजिए. ओ, ए और बी निकल गए, यानी कि जो आप कंफ्यूज थी 50 में, वो बी जो 50 था वो रॉन्ग आंसर होता. अभी आपके सामने है C54 या फिर D60. C54. फुल कॉन्फिडेंस? यस. महफूज कर दूं? जी. कंप्यूटर C54 को महफूज कर दीजिए. बताइए कि सही जवाब है या नहीं. बिल्कुल सही जवाब, 54 इज द करेक्ट आंसर. कैसे आपको पता था 50 और 54 में आप कंफ्यूज क्यों थी? वो बुक्स का मतलब इंडेक्स दिखाता तो उसमें नंबर्स में कंफ्यूज हो रहा था. अच्छा, इसलिए आप बहुत, वो जो बहुत करीब थे 50-54, चार नंबर का डिफरेंस था, तो इसलिए आप कहीं कंफ्यूज हो गई. बट वेरी वेल कैलकुलेटेड. नो वंडर मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है. जो आप कैलकुलेट करती हैं, जो रीजनिंग आप देती है, बहुत ही सही होता है. वेरी गुड, आई एम वेरी इंप्रेस्ड. 54 इज द करेक्ट आंसर. इसी के साथ तीसरे लेवल का दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. मफादिल जिनान किताब किसने इकट्ठा किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए शेख अब्बास हुमी, बी शेख तूसी, सी अल्लामा हिल्ली या फिर डी आखाए खुई. ए शेख अब्बास कुमी. वाओ, महफूज कर दूं? जी. ओह, यू स्माइलिंग, आपको पहले से जवाब पता है. हाउ डू यू नो इट? रिसेंटली अभी मतलब बुक खोली थी तो उसमें फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ था ऑथर का नाम. ओह फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन. तो क्या करूँ, ए को महफूज कर दूँ? जी. कंप्यूटर ऑप्शन ए को महफूज कर दीजिए, शेख अब्बास खुमी. और बताइए कि सही जवाब है या नहीं. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. व्हाट एन ऑब्जर्वेशन, वाओ. जैसे कि कहते हैं कि योर नॉलेज बेस, वो देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअली जो आपके पास नॉलेज है और जो ऑब्जर्वेशन से, कैलकुलेशन से जो आपने नॉलेज इकट्ठा किया है, इट्स एक्चुअली पेइंग यू ऑफ. वेरी गुड, वेरी वेल आंसर्ड. आई एम श्योर आपको पता होगा बतूल कि जो शेख अब्बास खुमी हैं, इनकी जो खबर है, जो रोज़ा है, वो नजफ़ में है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर जो है इनकी खबर है. तीसरे लेवल का तीसरा सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. तीसरे खलीफा के दौर में सहाबी रसूल अबू ज़र गफ़ारी को कहाँ शहर बदर किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए ताइफ, बी रब्ज़ा, सी हिल्ला या फिर डी मदाइन. बी रब्जा. श्योर? यस. महफूज कर दूं? जी. फुल कॉन्फिडेंस. कैसे आपने पढ़ी है ये बुक? जी, उनकी बायोग्राफी. जो बुक है बायोग्राफी. यस, उनकी जो बायोग्राफी में था तो उसमें था कि उनको शहर से निकाला गया था. तो वो शहर आपको लगता है कि रब्जा है? जी. महफूज कर दूं? जी. कंप्यूटर डी रब्जा को महफूज कर दीजिए. बताइए कि सही जवाब है या नहीं. क्या लगता है आप? करेक्ट. करेक्ट. दो सवाल अब दूर हैं 15 सवाल से. आपको क्या लगता है, सही होगा ये? जी. अगर आपको लगता है सही होगा तो फिर हम क्या कह सकते हैं. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. बी रब्जा इज द करेक्ट आंसर. रब्जा में उनको शहर बदर कर दिया गया था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को. चलिए इसी के साथ चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं. बतूल, दो सवाल दूर है आप 5,000 जीतने के लिए. कैसा लग रहा है आपको? नर्वस? थोड़ा मतलब
थोड़ा आगे क्वेश्चंस क्या होगा। और आपके दो लाइफलाइन अभी भी मौजूद हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आप ये पार कर पाती हैं या नहीं। चौथा सवाल तीसरे लेवल का, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चंगेज़ सफ़ीन में हकम के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किसका नाम पेश किया? आर्बिट्रेशन हकम, इंग्लिश में आर्बिट्रेशन जिसे कहा जाता है, किसका नाम पेश किया? ए अम्मार यासिर, बी अशअस इब्न कैस, सी अब्दुल्ला इब्न अब्बास, या फिर डी मसर इब्न फिदा। ट्रिकी। जंग सफ़ीन में हकम के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किसका नाम लिया था? आई विल यूज माई लाइफ लाइन। ओ बतुल नीड्स अ लाइफ लाइन। क्यों, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं आपको? जरा भी नहीं? इसकी स्टोरी नहीं पता। आपको ये वाक्या नहीं पता जी? क्या करना चाहेंगे, कौन सी लाइफ लाइन? आई विल यूज फ्लिप। फ्लिप, वेरी वेल। कंप्यूटर बतूल फ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो ये सवाल को फ्लिप कर दीजिए, यानी कि एक नया सवाल पेश कीजिए। लेकिन बतूल, क्योंकि हमें ऑडियंस को बताना है जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ये जवाब का, तो अगर आपको गेस करना होता जस्ट इन केस, तो क्या करती हैं? बी अशस इब्ने कैस, उसे महफूज कर दिया। चलिए देखते हैं सही जवाब होता है या नहीं। कंप्यूटर बी अशस इब्ने कैस को महफूज कर दीजिए, बताइए कि सही जवाब होता या नहीं। ये गलत जवाब होता। सही जवाब होता सी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, वाज द करेक्ट आंसर। सही किया आपने जो गेस नहीं किया या फिर ट्राई नहीं किया। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो हो गया फ्लिप बतूल, अब हम बढ़ते हैं आगे। जो फ्लिप हुआ सवाल है, यानी कि 14th सवाल, वो ये रहे। अबू माबद किसकी कुनियत थी? आपके ऑप्शन है ए मिगदाद इब्नुल अस्वाद, बी जुंदब बिन जुनादा, सी अबू अयूब अंसारी, या फिर डी अबू दुजाना अंसारी। किसे महफूज करूं? नहीं पता? आपके पास लाइफलाइन है? डबल फ्रीज। डबल फ्रीज में आंसर तो आना चाहिए ना? बिल्कुल भी नहीं आता आपको? कभी सुना ही नहीं। तो मैं कहूँगी कि अभी तो आपको जवाब देना ही है, चाहे गलत हो या सही। और आपके पास लाइफलाइन है तो इट्स अ प्योर गेस। जो भी आपको लगता है ज़्यादा आपने सुना है नाम या कहीं पढ़ा है इसके बारे में, तो उन दो को महफूज कर दीजिए। डबल फ्रीज क्या करना चाहेंगे आप? कुछ तो जवाब देना होगा बतूल। आई विल यूज डबल फ्रीज लाइफलाइन। डबल फ्रीज लाइफलाइन, इट्स ऑब्वियस, क्योंकि अगर आप लाइफलाइन नहीं लेती हैं और गेस करती हैं जबकि आपको जवाब बिल्कुल भी नहीं पता, आपकी लाइफलाइन रह जाएगी और आप आउट हो जाओगे। अगर आपको पता नहीं, गलत जवाब हुआ भी, तो कम से कम लाइफलाइन तो आपने यूज किया है। डबल फ्रीज, तो मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। सो बताइए किसे महफूज करूँ? ए एंड बी, वो भी आप रैंडम ले रही हैं, गेस ले रही हैं, है ना? कंप्यूटर ए और बी को महफूज कर दीजिए, बताइए कि इसमें से कौन सा सही जवाब है या दोनों गलत जवाब है। ये तो हो गए फ्रीज, अब जानना ये है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत, या फिर दोनों गलत। टेंस्ड, क्या लगता है? कुछ आइडिया नहीं है? मैंने कहा था कि सवाल तो ट्रिकी होंगे, और ये 14th जो सेकंड लास्ट सवाल है वो है बी, गलत जवाब है। बचा ए, या तो ये सही है या ये गलत है। अगर गलत होता है तो आप हार गए और यहाँ से सिर्फ 2500 जीत के जाएंगे, और लेकिन अगर सही होता है तो आप आगे बढ़ पाएंगे। क्या लगता है? जो आपका गेस था वो सही था या नहीं? नहीं मालूम। व्हाट यू थिंक डजंट हैपन बतूल,
Because A is the right answer. Congratulations, Batul. 14th question, जो तीसरा लेवल का है, आपने बखूबी से पार कर लिया. Congratulations. What a guess. What a guess, Batul. क्या खूबसूरत guess किया आपने. I mean, कोई भी आप ले सकते थे. आपने randomly A भी ले लिया. What a coincidence. A सही था. A, Miqdad ibn al-Aswad is the correct answer. Wow. Amazing. चलिए. बहुत tensed. Very tensed. Very tensed. ये 15वां सवाल है. बतू. आपके पास कोई lifeline नहीं है. बहुत ध्यान से सवाल को समझना, पढ़ना और उसके बाद जवाब देना. ठीक है? कोई lifeline नहीं है आपकी. अगर आपने ये जवाब दिया तो आप यहाँ से 5000 जीत के जाएंगे, वरना आप सीधे 2500 जीत के जाएंगे. ओके, बी वेरी केयरफुल, कॉन्सेंट्रेट. 15th क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. साहबिया रसूल जनाबे सलमान फारसी की वफात किस सन हिजरी में हुई. आपके ऑप्शंस हैं ए 55 हिजरी, बी 36 हिजरी, सी 42 हिजरी या फिर डी 50 हिजरी. क्या लगता है? इसमें भी कोई आइडिया नहीं है. आपने इनकी बायोग्राफी पढ़ी है? नहीं. सलमान फारसी शॉर्ट मूवी देखी है बस, उसमें मतलब डेथ का नहीं दिखाया था. विन टीवी में देखी है? विन टीवी पे आई थी. तो क्या करेंगे आप, किसके साथ जाएंगे? अभी भी आपको गेस करना है. लाइफलाइन नहीं है. साल बाद पे कैलकुलेट कीजिए, जहन में थोड़ा जोर डालिए कि कभी हुआ, करबला के कितने साल पहले हुआ. रसूल खुदा की हिजरी मालूम है, उसके आगे कितना. रसूल खुदा के कितने साल बाद तक रहे वो, कैलकुलेट. यहाँ तक आ गई हैं आप. सवाल तो ट्रिकी होंगे. यहाँ तक इतने करीब आने के बाद एक सवाल दूर हैं आप 5000 के. क्या लगता है आप? बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, या तो फिर आप नर्वस हैं, आपको याद नहीं आ रहा? नहीं, कभी सुना ही नहीं आई थिंक. बिल्कुल भी नहीं. रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साल बाद तक वो जिंदा थे? क्या करना चाहेंगे आप? 36 हिजरी. आपको लगता है 36 हिजरी? क्या हुआ था 36 हिजरी? अगर एक एक हिजरी को आप देखेंगे, या अगर उसमें कुछ वाक्या हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो आपको एक अंदाजा, एक हिंट मिल जाएगा कि उसी साल कुछ हुआ था. अगर उनकी आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी तो, या देखी होगी तो, कुछ तो एक हिंट आपको मिलेगा कहीं से. तो आराम से पूरे इत्मीनान के साथ आप जवाब दीजिए. टेक योर टाइम. 15th लेवल ट्रिकी. कौन से इमाम तक थे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी थे ये, तो पहले इमाम तक थे. पहले इमाम तक थे. अब आपको कैलकुलेट करना है, दूसरे इमाम तक थे नहीं थे. मैंने कहा थोड़ा जोर डालिए, मैंने बता दिया आपको. जी, कैलकुलेट. इमाम अली अलैहिस्सलाम कौन से हिजरी में शहादत हुई? उनकी तो 36 हिजरी. क्या करूँ, महफूज कर दूँ? आपको गेस करना ही है, तो आपके कैलकुलेशन देखते हैं कितना सही होता है. कर दूँ? श्योर? नॉट श्योर. व्हाट कैन आई डू? बी
36 محفوظ کر دوں؟ کمپیوٹر بی 36 ہجری کو محفوظ کر دیجئے اور بتائیے کہ بتول کا جو گیس ہے، جو کیلکولیشن ہے، آج وہ ان کا ساتھ دیتا ہے یا پھر نہیں؟ سو کلوز. میں نے آپ کو اتنا بھی بتا دیا تھا کہ کون سے امام تک زندہ تھے وہ، تبھی تک تو کیلکولیٹ کر دینا چاہیے تھا. سو ایزی. ایک سوال دور تھی آپ 5000. وائی ڈیڈ یو ناٹ؟ آپ کا جو کیلکولیشن تھا وہ بالکل صحیح تھا. 36 از دا کریکٹ آنسر. کنگریچولیشنز بتول، یو ہیو ون 5000. 5000 جیت گئی ہیں آپ. ایک عرصے بعد کو یہاں تک پہنچا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ پہنچی ہیں یہاں پر. کنگریچولیشنز، کنگریچولیشنز. یو اون اٹ ریئلی. یو ہیو اچیوڈ اٹ فائنلی. او گاڈ. ناظرین، اتنے وقت بعد، اتنے عرصے بعد کوئی جیتا ہے 5000 روپے. اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ بتول جو اتنی محنت سے یہاں تک پہنچی ہے، اتنی تیاریوں کے ساتھ یہاں پہنچی ہے، اور فائنلی جو ویٹ تھا وہ ختم ہوا، وہ یہاں سے 5000 جیت. جو آپ کی جو محنت تھی بتول، اٹ واز ریئلی گڈ. آپ کی محنت کام آئی. آپ کا جو کیلکولیشن ہے آج، آپ کیلکولیشن آپ کا ساتھ دیا ہے. سو آئی تھنک میتھ از یور ڈیفینیٹلی بیسٹ فیوریٹ سبجیکٹ. یو شوڈ کنٹینیو وتھ میتھ. ٹھیک ہے؟ آئی ایم سو ہیپی فار یو بتول. تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم. آپ دوسری بار آئی ہیں اتنی تیاری کے ساتھ، اور میں ہوپ کری تھی اس بار تو آپ جیت جائیں 5000. وہی ہوا. ویری ویل آنسرڈ. ہائیلی امپریسڈ وتھ یور کیلکولیشنز اینڈ یور نالج. بہت بہت مبارک 5000 روپیز. کیا کریں گے آپ بتائیے؟ ٹریٹ فرینڈس کو؟ چلیے، جو بھی کیجیے، ان شاء اللہ آپ کو کامیابی حاصل ہو. کنگریچولیشنز بتول فرام ٹیم سوالوں کا سفر اینڈ چینل ون. ناظرین، بتول یہاں سے 5000 جیت کے جاتے، ایک عرصے بعد کو یہاں جیت کے جا رہا ہے. دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کنگریچولیشنز کرنا چاہتے ہیں بتول کا اور ان کی پوری فیملی کا، جنہوں نے محنت کی ہے یہاں تک ان کو آنے کی اور ان کو علم پہنچانے کی. ان کی پوری فیملی کو ہم کنگریچولیشنز کہنا چاہتے ہیں چینل ون کی طرف سے اور سوالوں کے سفر کی پوری ٹیم کی طرف سے. تو ناظرین، آپ بھی بن سکتے ہیں سوالوں کے سفر کا حصہ. آپ بھی جیت سکتے ہیں 5000 روپے. آپ کو صرف اسکرین پہ دیے گئے ای میل آئی ڈی پہ اپنا میسج، اپنا ای میل بھیجنا ہے، اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھیجنا ہے، پھر سوالوں کے سفر کی پوری ٹیم آپ تک پہنچے گی. فوراً، دیر کس بات کی، فوراً ہمیں میسج کر دیجیے، کیا پتا آپ جیت سکتے ہیں 5000 روپے. مجھے دیجیے اجازت. ان شاء اللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی ایسے انٹرسٹنگ سوال کے ساتھ، انٹرسٹنگ کینڈیڈیٹ اور انٹرسٹنگ سفر کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون.